जल्दी से एजेंडा कर लेता हूँ, लिंक अपलोड करनी है। ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। फिर ब्लॉग शूट करने के लिए फॉरेन भी जाना है बंदी के साथ, है ना। रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, हो भी रहा हो क्या करना, मुझे तो लोग पहले से जानते हैं। खैर, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डी राठी और आप देख रहे हैं मेरे नाम का ही एक चैनल है वो। तो खैर, आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे कुछ घटनाएं हाल में हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और हम एक्सपोज करके रख देंगे, सबको एक्सपोज करके रख देंगे, खुद को भी एक्सपोज करके रख देंगे, ठीक है। और अभी एक नया नया एक लड़का आया हुआ है, कुछ साइंस ही आया है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसने जो मेरी बजाई हुई है उसको भी एक्सपोज करके रख देंगे। जल्दी से यहाँ पे बैन मतलब चेंज कर रहा हूँ, एडिटिंग इफेक्ट सब कुछ आ रहा है, नहीं आया। खैर, जल्दी से कुछ ग्रे कर देता हूँ ताकि जो मेरे फेवरेट जो पोर्टल्स हैं जिनके बारे में मैं हमेशा से बताता रहता हूँ और उनका मैं कुछ भी वो पोस्ट करें, चाहे जैसा हो, फेक न्यूज़ हो, प्रोपेगेंडा हो, एजेंडा हो, लेफ्ट का हो, माविस्ट का हो, जिहादी का हो, इस्लामिस्ट का, जिसका भी हो, मैं ही उनका एक ऐसा मतलब साथी हूँ, एकदम प्रिय मित्र हूँ। कुछ भी वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, सॉरी फैलाते नहीं, कुछ भी वो फेक न्यूज़ पोस्ट करते हैं और तो मैं फैलाने का काम करता हूँ, मेरा भी तो काम है कुछ, ऐसे थोड़ी राठी कहलाता हूँ मैं, है ना। तो मैं फैलाता हूँ अपने चैनल से, 4 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन होने वाले हैं, पता है ना, ऐसे थोड़ी हूँ, काफ़ी पैसे आते हैं यार, भाई के पास पैसे कम ही, थोड़ी कपड़े देख रहे हो, अभी लिंक अपलोड करूँगा पैसे मिलेंगे, जैसे अकाउंट में आएगा सौरज भैया भेजेंगे। ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। सौरज भैया ने पिछली बार दिक्कत कर दी थोड़ी कि रिहाना को 18 करोड़ दे दिए हैं, मतलब कैसे, हम में क्या कमी रह गई थी, 5 मिलियन होने वाला है, 5 मिलियन समझते हो, कम से कम 10-15 करोड़ देते, 1-2 करोड़ में क्या होता है। अभी एक आध चीज़ें कम बोलूँगा, सौरज कहाँ बेचती हो जाएगी, है ना। तो चाहते हो अगर पूरा कंटेंट चाहिए तो पैसा भी पूरा भेजा करो, और इस वाले का मुझे पूरा पैसा चाहिए, अभी जो एजेंडा करने जा रहा हूँ सुनो। तो भैया, सारे मेरे जैसे कम दिमाग वालों का स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग सिर्फ वही बातें करते हैं जो फिर ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही विचारधारा को सूट करती है जो भारत तोड़ने, भारत की बर्बादी, भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, स्पेसिफिकली मोदी के खिलाफ, कभी भी सरकार में हो चाहे ना हो, मोदी के पीछे हम लोग हमेशा से पड़े रहते हैं, गोधरा कांड से लेकर अभी तक पड़े रहे, कुछ उखाड़ नहीं पाए। बरखांटी और सरदेसाई दादा से ज़्यादा कौन जानता है, उम्र हो चुकी इसलिए ज़्यादा बोलना हूँ, वैसे तो मैं भी उसी राह पे हूँ, लगा हुआ हूँ मैं भी एक्सपोज करने में, मैं भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ मोदी का, लेकिन हाँ मेरा काम यही है, नहीं करूँगा तो मुझे लिंक भेजनी पड़ती, पैसे आते हैं। खैर, क्योंकि मैं पप्पू भैया गए थे डील करने, आप लोगों को पता ही है, अब मेरे लिए उन्होंने गंदी डील करी, मेरे लिए मेरा उन्होंने ध्यान नहीं रखा, ध्यान रखा करिए, आप लोग के लिए इतनी घिसता हूँ मैं, केजरीवाल के लिए इतनी घिसता हूँ मैं, जनता उसी को घिस देती है पब्लिक में। इस चेहरे को याद रखना, इसको कभी मतलब समझ रहा हो ना, इस चेहरे को नहीं, ध्यान से थोड़ा सा धीरे मारना, लेकिन काम करता हूँ मैं मार खाने वाला, लेकिन धीरे। खैर, अभी एक्सपोज पे ध्यान देते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे उस चीज़ पे ध्यान दें कि इतनी ज़रूरी चाहे जितनी फेक न्यूज़ मैं दिखा लूँ, उस एक्सपोज पे ध्यान दीजिए, उस बात पे ध्यान दीजिए। मोदी ने कोरोना को इतने अच्छे से मोदी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, इकोनॉमी इतनी डुबा दी है, इतना कोरोना को मिसमैनेजमेंट किया है कि पता नहीं कैसे वो बाहर भी दे रहा है, अंदर भी वैक्सीन लग रही है, कई देशों में जा रहा है, ट्रूडो फ़ोन करके मांग रहा है, लेकिन कुछ गलत किया है मोदी ने, कुछ गलत किया, हमें उसकी गलतियों पर ध्यान देना है। चलो, जब उसकी लिंक अलग से आ जाएगी, मेरे स्क्विंट वाले, प्रिंट वाले जितने हैं, ये सब रोल स्क्रोल प्रोल जो भी सब जब डालना शुरू कर देंगे ना, या फिर जो RND TV जो है वो जब डालना शुरू कर देगी, तो मैं वहाँ से कुछ निकालूंगा और उसको यहाँ साइड के ग्रे स्क्रीन पर दिखा के आपके सामने बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, कैसे इंडिया का इतना नाम हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, एजेंडा कम पड़ गया क्या, यही होता है, अगर सोरस पैसा कम देगा तो मैं एजेंडा कम करूँगा। खैर, अभी दिक्कत थोड़ी, दो दिक्कत है इस वीडियो को मैं ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा, और जो नया लड़का आया स्ट्रिंग वाला, उसने मेरी इतनी बुरी मारी है कि मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे जो
बैकयार्ड का हाल है बहुत बुरा है, इतना बुरा हाल है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उसके लिए अभी एक वीडियो भी बनाई जो सरकास्टिक वे में चाहता था कि कुछ कॉमेडी कर ले जाऊँ। भले मुझे एक्टिंग करने नहीं आती, मैं व्लॉग में पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बस पैसा मिल जाता तो मैं घूमने चला जाता हूँ, लेकिन मुझे वैसे कुछ आता नहीं। बस मैंने इतने सोर्सेज बढ़ा रखे हैं पैसे के लिए, मैं पैसों का बहुत भूखा आदमी हूँ। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि कोई मेरी इतनी बुरी बजा के गया है कि मैंने अपने सारे लेफ्टिस्टों को लगा दिया, हर जगह लगा दिया कि भैया जाओ, वो वीडियो हट जानी चाहिए। इतनी बुरी मारी है, वो वीडियो मैंने हटवा दी किसी तरीके से, जो जो अपलोड कर रहा है यूट्यूब पर सब हटवा दे रहा हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे स्ट्रिंग की जो फेसबुक आईडी है वहाँ पे वीडियो है, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी दी हुई होगी, उसने भी अपलोड किया हुआ है, अब देखिएगा जरूर, है ना। खैरिए मैं क्या बोल रहा हूँ अपने आप को, ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। नहीं देखना नहीं, वहाँ दिया हुआ देखना नहीं। और किसी को मेरा काम अच्छा लग रहा हो पेट्रियन पे सपोर्ट करना तो इधर कहीं दिख रहा होगा, जैसे मेरी हर बार की आदत है, मैं तो राठी हूँ ना, मैं यहाँ हर जगह दिखाता रहता हूँ पेट्रियन पे, पैसे मांगता रहता हूँ। पैसे नहीं मांगूंगा तो कैसे लगेगा कि मैं तो पेट्रियन से कमा रहा हूँ, मैं तो जनता के नॉर्मल पैसे से कमा रहा हूँ, मुझे तो सोरस की फंडिंग की जरूरत ही नहीं है रिहाना की तरह, है ना। मतलब सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओपन क्लोज इनसाइड आउटसाइड है, ऐसा कैसे चलेगा। तो भारतीय जनता को नहीं बताई जाती, हाँ खैर मैं अपने एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ खुद को। तो अभी आपको पता दिल्ली में क्या, और रिंकू शर्मा वाली बात पे मैंने कुछ ढंग से कुछ बोला नहीं। अब बेचारे वहाँ की मंगोलपुरी, बताओ मंगोलपुरी नाम है एरिया का, वहाँ पे मंगोल वहाँ पे माइनॉरिटी हमारी अगर राज भी ना कर सके, खुल के किसी की जान भी ना ले सके, तो कैसी माइनॉरिटी हमारी। हम मतलब अपीजमेंट का एक स्तर होता है कि नहीं होता है, हम लोग उस हद तक अपीज ही नहीं कर पा रहे, सरकार उस हद तक काम ही नहीं कर पा रही कि अपीज कर सके। तो आपको अपीज करना पड़ेगा, आपको उस हद तक अपीज करना पड़ेगा कि एक एक कार्ड देना पड़ेगा, लाइसेंस टू किल का कार्ड देना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको जल्दी से जल्दी फांसी तो पहुंचा नहीं सकते, तो हमें उनको मारने की आज़ादी देनी चाहिए। भले पता चला है न्यूज़ में कि आप देख सकते हैं जैसा कि उसने रिंकू शर्मा लड़के ने कुछ हारा कि नहीं, वो मतलब प्रिंट स्क्रिंट वो सब छापते नहीं ना ये सब, लेकिन खैर वो अंदर की बात बता रहा हूँ। तो पता चला लड़के ने खून भी दिया था उस घर में, किसी को इलाज भी करवाया था, लेकिन क्या हमारे माइनॉरिटी को इतना भी हक नहीं कि अगर थोड़ा सा खून दे दिया तो वो और ज़्यादा खून बहा दें, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और बाकी तो हमारे कुमार साहब RND TV में बैठते ही हैं ये सब चीज़ों को कवर करने के लिए, बाकी पोर्टल्स हैं ही हमारे, सोर्स फंडिंग देता ही है मुझे भी और बाकी सबको, तो हमारा काम है छुपाना। लेकिन क्या माइनॉरिटी को इतना भी हक नहीं कि खुल के मर्डर कर सके किसी का, अगर जय श्री राम बोलने पे बुरा लग गया तो क्या हुआ, ये राम की धरती है, माइनॉरिटी ने भी तो कुछ समय राज किया है भाई, तो अब धरती फिर से राम की वो लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उनको तो मंगोलपुरी में तो उनको ऐसे प्राउड फील हो रहा हो कि मंगोलों की पूरी है ये, है ना। तो हो गया, माफ़ कर दो आप, हम तो गांधी का देश है ये, गांधी का कि नहीं, वैसे अभी बीच में बोस का देश बनने जा रहा था तो उससे बहुत खतरे की बात है, माइनॉरिटी बहुत खतरे में आ जाएगी, बोस और अम्बेडकर का देश हो जाएगा। तो खैर अम्बेडकर बहुत कम्युनल व्यक्ति है, अम्बेडकर ने ये कह दिया था कि अगर विभाजन हुआ तो 100% होगा, पूरे मुसलमान वहाँ जाएंगे पूरे हिंदू यहाँ जाएंगे, बहुत कम्युनल आदमी अम्बेडकर। इसीलिए मैं मेरे अम्बेडकर की सिर्फ सेलेक्टिव बातें आपको बताता हूँ, और इसीलिए अम्बेडकर की सेलेक्टिवली मुद्दों पर आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाता हूँ मैं, है ना। तो सारा मुद्दा यही था, मेरा काम हो चुका है, अब मुझे जल्दी से ट्रिप पे निकलना, और बहुत स्ट्रिंग वाले ने बहुत बुरी बजाई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ किसी तरीके से, वो गर्म कपड़ा लगा के उठ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत अच्छे से शेयर करिए, और शेयर नहीं भी करेंगे तो मेरे पास मेरे तरीके इसको वायरल कराने के, मैं इसको वायरल करा लूँगा। और हर बार की तरह आपको जैसा मैं कहता हूँ, हाथ हिला हिला के पेट्रियन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर तरह से अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप डोनेट करिए, आप नहीं भी करेंगे तो मेरे पास मेरे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, मैं तमाम तरीके से पैसा कमा लूँगा। और कोई भी इफेक्ट एनिमेशन स्लाइड ये वो ना दिखे तो कोई बात नहीं, तो समर्थन देते रहें, वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, और पेट्रियन दिख रहा होगा तो ठीक है, हमें भी अच्छा, हमारी गोरी मैम का फ़ोन आ चुका है तो हमें जाना पड़ेगा, और व्लॉग भी बनाना है, दूसरे चैनल से भी पैसे कमाना है, दिखाना है कि भाई मैं बहुत शौकी आदमी, बहुत घूमता हूँ, और बहुत दूसरे चैनल से पैसे आते हैं, हर चैनल से पैसे आते हैं, इनडायरेक्टली कोई पैसा नहीं आता, सब यूट्यूब की कमाई है, सोरस नहीं भेजते मुझे, ठीक है, मेरे ऊपर लेफ्ट या नक्सल का हाथ नहीं है ना, ये सब चीज़ें मैं नहीं गलती से दिखा सकता, तो सब सफ़ेद की कमाई है, काली कमाई को काला रहने दो, छुपा ही रहने दो, वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,
और ऐसे ही मैं लेफ्टिस्टों के लिए प्रोपेगेंडा करता रहूँगा, और कभी भी अगर मुझे देश को तोड़ने का मौका मिलेगा तो मैं हमेशा आपके सामने आगे खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरा तो ये काम कभी भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने का मौका मिलेगा तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और बाकी मैं तो लिबरल हूँ ही, बाकी आपको पता ही क्या करना है ना, डोनेशन डोनेशन डोनेशन, बहुत सारा डोनेशन।